हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन बनाना पब्लिक। आज का टॉपिक मनी मेकर सेगमेंट में बजट। बजट बहुत सुना होगा आपने, वित्त मंत्री जी बजट ला रहे हैं, घर का बजट बनाए, कंपनी का बजट बनाए। बेसिकली ये वीडियो बनाने का विचार, मैं अपनी जो धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए कुछ बजट का बना रहा था अपने लिए बेसिकली। तो माइंड में आया था अपने व्यूअर्स के लिए भी, बजट सुनते बहुत है, तो बजट होता क्या है कईयों को पता होगा, जो पता होने के बावजूद भी हमारी कुछ इसमें लिमिटेशन है। तो बजट बेसिकली है कि हम रेवेन्यू कितना क्रिएट करते हैं, हम कमाते कितने हैं और हमारा खर्चा कितना है। वेरी सिंपल, अगर हम कमाते ज्यादा हैं और खर्चा हमारा कम है तो वो बजट सरप्लस में आ जाता है कि हम प्रॉफिटेबिलिटी में गए। तो अगर हम कमाते कम है या हम 100 रुपया कमा रहे हैं, हमारा खर्चा 120 है, तो बजट डेफिसिट है, मतलब 20 रुपए हमारा ज्यादा खर्चा हो रहा है। हम कई बार सोचते हैं, सुनते हैं खबरों में कि भी करंट अकाउंट डेफिसिट या कंट्री का बजट डेफिसिट इतना है, इंडिया का बजट डेफिसिट इतना जा रहा है। तो बेसिकली हम ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, उतनी हम कमाई नहीं कर रहे। तो और बजट बैलेंस बजट, जितना हमारा 100 रुपया खर्चा था तो 100 रुपये हम कमाते हैं, डेट इज अ बैलेंस बजट। रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग और जो खर्चे हैं, एक्सपेंसिव है, वो इक्वल रेशियो में है। तो बजट की जरूरत क्यों है? बजट इसलिए जरूरत है कि भाई अब हम अपने नॉर्मल व्यूअर्स के लिए बिजनेस से हटके बात करते हैं, चाहे आप बिजनेस भी कर रहे हो तब भी बजट बड़ा जरूरी है कि मेरे घर का खर्चा 100 रुपया है और मैं कमा 50 रुपए रहा हूं, मीन्स के हर मंथली मैं हर 50 रुपए डेफिसिट में जाऊंगा, कब तक चलेगा? ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। उसी को हम पंजाबी में बोलते भी है ना कि भाई टोपी रुक गई, गेम खत्म हो गई, गेम रुक गई, क्योंकि हम ओवर स्पेंडिंग करते हैं हमारी कमाई के रेशियो में। तो जरूरी क्यों है कि हमने कोई गोल्स टारगेट किए? जैसे पिछले सेगमेंट में हमने बात की थी, भाई टर्म प्लान खरीदना है, घर खरीदना है, इंश्योरेंस खरीदनी है, सिप लगानी है। भैया ये टारगेट्स कैसे अचीव होंगे? ये टारगेट्स तभी अचीव हो सकते हैं जब हमारे पास कुछ बचेगा। बचेगा कैसे? जब हम कीप एन आई ऑन आवर स्पेंडिंग, जब हम अपनी थोड़ा ध्यान देंगे कि हमारा खर्चा हो क्या रहा है। और एक आज से शुरू करें, पहली तारीख से शुरू करें, वैसे तो जो कल करे सो आज कर, तो उसका कारण यह है कि आप शुरू करते हो और 30 डेज उस पैटर्न को फॉलो करते हो, तो आफ्टर 30 डेज आप ऑब्जर्व करते हो, उसको दोबारा री एनालिसिस करते हो, तो आपको पता लगता है कि यहां मैंने ब्रीच किया, मैंने ये खर्चा मैं बचा सकता था, ये खर्चा मैं रोक सकता था। रोकने, मुंह बंद करने को कोई नहीं कह रहा, जो बेसिक नीड्स है, जो जरूरत है वो करनी होती है, अपनी हो, बच्चों की हो। तो हम जहां पे हम फालतू करते हैं उसमें डिटेक्ट करते हैं कि ये चीजें मैं नेक्स्ट मंथ से कम करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे कोई ड्रीम्स हैं, मेरे कोई ख्वाब है, मैंने घर बनाना है, मैंने अपनी रिटायरमेंट प्लान करनी। अरे भैया, रिटायरमेंट प्लान के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए, उसके लिए सिप लगानी है या किसी कहीं जगह इन्वेस्ट करना है, तो कैसे होगा? कहीं से हम बचाएंगे तो इन्वेस्ट होगा ना। तो बेसिक फंडा वही है, बजटिंग बहुत जरूरी है। बिना बजट किए आपको कभी पता नहीं लगेगा कि मैं यार 20,000 कमा रहा हूं। खासतौर पर बिजनेस वर्ग, व्यापारी वर्ग, उनको तो पता ही नहीं लगता कि भाई हम कमा कितने रहे हैं। ठीक है, सो कईयों को बहुत स्ट्रिक्ट बुक कीपिंग होगी, पर छोटा व्यापारी कई बार इस चीज के चक्कर में नहीं पड़ पाता, उसको समझ नहीं लगती है मेरी वो क्या रहा है। आप पूरा टोटल एक प्लेन पेपर पे बजट बनाएं कि मेरे ये खर्चे हुए थे, मिसलेनियस खर्चे बनाएं, ईएमआई कितनी जा रही है, मेरे ग्रोसरी पे कितने पैसे हैं, मेरे बच्चों की फीस कितनी जा रही है और मेरे गोल्स क्या हैं। आपके गोल्स अचीव नहीं होंगे अगर आप स्ट्रिक्ट बजटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे टाइम लगेगा, 2-4 महीने में आप यूज टू होना शुरू होंगे, लू जहां जहां आप ओवर ब्रीच कर रहे हो, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है कि संस्कृत की कहावत है ना, तृष्णा ना जीर्णा वय में जीर्णा, हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारी तृष्णा नहीं बूढ़ी होती। कई चीजें हम अननेसेसरी खरीद लेते हैं, मॉल में जाते हैं, वो चीज हमारे काम की भी नहीं है। जैसे विंटर सीजन जा रहा है तो हमने देखना है कि यार 50% की सेल लगी, वो सब क्या, मैं आप सेल के बारे में तो नहीं बताऊंगा, पर हमें जरूरत है भी नहीं है, तो हम तब भी ओवर बाइंग कर लेते हैं। ओवर बाइंग नहीं करनी है, आई कैचिंग चीजें जो हमें एकदम चुंदे आ जाती है हमारी आंखें कि यार हमें ये खरीदना चाहिए, आंखें कई बार ऐसे ओपनर हो जाती है कि अट्रैक्ट करती है चीजें, पर वो अपने वैलिडेट करना है रीजन को कि क्या मुझे ये चाहिए भी, कहीं मैं अननेसेसरी बाइंग तो नहीं कर रहा। वो चीज आपने वैलिडेट करनी है, आपने अपना बजट डेफिसिट नहीं होने देना। तो अब ये फैमिली के लिए हो गया, आप जो भी चीजें हैं उसमें इमरजेंसी फंड, देखिए बजट होगा, आप 100 रुपया कमाते हैं, 10 रुपए भी 5 रुपए बचाएंगे, वो 5 रुपए आपके रेनी डेज में काम आएंगे। रेनी डेज मतलब जब क्राइसिस आएंगे, वक्त जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, तो ये वही सेविंग किया हुआ पैसा हमारे काम आएगा, हमारे रिटायरमेंट की प्लानिंग के काम आएगा, हमारे बच्चों की स्टडी के काम आएगा। अब हम 100 रुपया कमा रहे हैं, आज के स्कूल की फीस नहीं चुभ रही है, पर कल को बच्चे ने जब मास्टर्स करनी है या बाहर जाना है या कुछ भी करना है, कुछ प्रोग्राम है उसकी हायर एजुकेशन का,
तब हम कहेंगे यार 10 लाख चाहिए इंस्टेंटली। वो 10 लाख इंस्टेंटली कैसे आएगा भैया जो अगर हम सेविंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप जितना भी मर्जी कमाते हैं, चाहे 100 कमाते हैं चाहे 1 करोड़ कमाते हैं, आपने सेविंग की हैबिट्स डालनी है तो ताकि आप सरप्लस बजटिंग कर पाओ, ठीक है ना। देखो खर्चे बहुत है पर हमने हमने ध्यान देना है कि कहां पे खर्चे बच सकते हैं। कई चीजें बचने वाली होती है ना तो उनको बचाया जा सकता है। तो हमें यही चीज ध्यान देनी है कि हम कहां पे अपनी स्पेंडिंग को स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। बिजनेस में भी ऐसे ही है, आप बिजनेस को गौर करें कि कहां कहां पे मैं अपने खर्चे कम कर सकता हूं, मेरी सेल्स पर जो ग्रोथ रेशियो है क्या मेरे खर्चे उसके नीचे हैं, क्या मैं कुछ खर्चों को कम कर सकता हूं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, चाहे कोई इम्प्लॉई की कट कॉस्टिंग हो। मैं इम्प्लॉई को निकालने को नहीं कह रहा मेरे भाई, जहां पे कुछ बचाया जा सकता है या उस इम्प्लॉई की जगह आप काम कर सकते हो। यू मीन ना व्हाट आई एम सेइंग, आप उस चीजों को जज करना है कि जहां पे आप पैटर्नली स्पेंडिंग को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो, चाहे वो पेट्रोल के प्राइस कम कंजम्पशन हो, कहीं भी एवरी पेनी सेव इज एवरी पेनी अर्न्ड, जो बचाया वो कमाया। बड़ा सिंपल है सर, जरूरी नहीं है कि आपने कमाने से ही पैसा जुड़ेगा, आपसे बचाने से भी जुड़ता है ना। तो मुझे पता है खर्चे बहुत हैं अनडाउटली, तो ये मैंने देखिए अपने लिए तैयार किया अपने आने वाले बिजनेस के लिए या जो मैं करंट कर रहा हूं, तो यही चीजें आप पे इंप्लीमेंट होगी। आपने अपनी बजटिंग बड़ी स्ट्रिक्ट करनी है, मुझे भी रियलाइज होता है तो तभी मैं लिख रहा हूं ना बोर्ड पे, मुझे जरूरत पड़ी कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, कहां से बचा सकता हूं, क्या हो सकता है। तो हमने भी ऐसे ही करना है अपने हाउस में, अपने बिजनेस में, और वित्त मंत्री साहब भी यही करते हैं जब वो करंट जो बजट पेश करेंगे, अब अंतरिम बजट है ये, तो वो यही चीजें लाएंगे कि हमने ये स्पेंडिंग करनी है, 100 रुपया है इसको स्पेंड करना है, आएगा कितना वो तो चलो हमेशा ये डेफिसिटों में जाने वाले सिस्टम है यहाँ का। तो बेसिकली देश और घर और व्यापार ये चीजें एक ही है, बजट इन सब पे एक ही जगह अप्लाई होता है। तो हमने सरप्लस बजट की तरफ जाना है बजट डेफिसिट से, क्योंकि ये हमारी ग्रोथ रेशियो के लिए जरूरी है, व्यापार के लिए जरूरी है, और व्यापार और घर का बजट डिफरेंस रखना है। इवन जॉब जो जॉब करते हैं उनको 40,000 रुपीज 15 दिन में खत्म करके बैठ गए। प्लास्टिक मनी बड़ी इजी लगती है, आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया, डेबिट कार्ड ले लिया, क्रेडिट कार्ड पे लगे हैं अंधाधुंध शॉपिंग करने के, और बाद 10 दिन बाद पता लग रहा है कि सॉरी यार मेरी तो सैलरी खत्म हो गई, अब मांगो किसी से, या जो भी है आपके पास कोई भी सोर्स होगा तो आपने वापस तो करने हैं ना। ये बात समझो कि आप वंस यू बोरो समथिंग आपको वो रीपे करना पड़ेगा, तो आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हो। कई एक्सपेंसेस बियॉन्ड कंट्रोल होते हैं, इमरजेंसी में कोई मेडिकल आ गया, कोई रिश्तेदार के कुछ आ गया, प्रॉब्लम आ गई, ठीक है ना। पहली बात तो ये है, इन चीजों पे भी देखो लेन देन के चक्रों में मत पड़ा करें कि मैंने 500 उसको सगन दिया था मुझे 1,000 देगा, आपने 500 दिया तो 500 क्रेडिट और डेबिट दोनों खड़े करके बैठ जाते हो आप। इन चीजों से बाहर निकले, गिव एंड टेक जरूरी है, पर गिव एंड टेक कुछ पॉजिटिव मैनर्स में भी हो सकता है ना, हेल्पिंग हैंड में। तो इस चीजों से निकलना पड़ेगा। नवंबर दिसंबर में इंडियन मिडिल क्लास फैमिली शादियों के बोझ के नीचे मर जाती है बेचारी, ठीक है ना। पता लगता है 50,000 का बजट तो निकल गया, उस 50,000 हम 10-20 रुपए अपने बच्चों को किसी की ट्रिप पे नहीं लेके जाते, पर 50,000 नवंबर दिसंबर की शादियों में गुजार देते हैं। स्ट्रिक्ट बजटिंग, सरप्लस में जाएं, प्रॉफिटेबिलिटी शुरू करें, 3-4 महीने लगेंगे, ग्रेजुअली प्रोसेस है, पर आपने करना है। मैं भी करने लगा हूं, आप भी करेंगे, और हम 2-3-4 महीने बाद रीअसेसमेंट करेंगे कि हम कहां पे खड़े हैं। आपने अगर इसके बारे में कोई अपने विचार हो जो मुझसे कॉन्ट्राडिक्ट करते हो या मेरे से सहमत हो तो आपने जरूर देने हैं। तो अगर अगेन सेम थिंग आई रिपीटिंग कि हमें बजटिंग करनी है, तो आज के लिए सर इतना ही है। बजट के टॉपिक पे मैं दोबारा टर्म प्लान की तरह ही बोलता रहूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बड़ा सिग्निफिकेंट है, काम यहीं से शुरू होता है। तो आज के लिए सर इतना ही है, स्टे सेफ, ट्राई सेफ, स्टे योर पार्क, स्टे पार्क योर मनी, स्टे सेफ, किसी पोंजी स्कीम्स के चक्रों में नहीं पड़ना है। किसी कंपनी एफडी में लगा रहे हैं तो उस कंपनी को जरूर चेक कर लेना कैसी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।